हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम है हमारे सेशन में। माय नेम इज अभित मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर, और आप देख रहे हैं हमारा करंट अफेयर्स। तो गाइस, दो तीन चीज़ें मैं आपसे पहले बोल दूँ। पहले तो आप हमारे सेशन को लाइक कर दें। मैं यहाँ पे दिख नहीं रहा हूँ क्या? ठीक है, मैं गायब क्यों हूँ यहाँ पे? मैं देखता हूँ इसे। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आ गया, वापस आ गया। चलिए ठीक है, तो हाँ, सेशन को लाइक कर दीजिएगा। और हमारा टारगेट जो है दिन का 1000 लाइक अभी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो 1000 लाइक हमें चाहिए। जब मैं 1000 लाइक बोलता हूँ तो तुम गुस्सा क्यों जाते हो? डिसलाइक क्यों कर देते हो भाई? मैं लाइक करने को बोल रहा हूँ, ठीक। और गाइज, आज दिन के 2 बजे हमारी क्लास है करंट फाइनेंशियल अफेयर्स पर, मतलब फाइनेंशियल न्यूज़ पर, और वो 2 बजे होगी क्लास, तो उसमें भी आप लोग को आना है। तीसरी बात ये गाइस कि गाइडली ने आपके लिए फ्री करियर गाइडेंस एंड पर्सनल काउंसलिंग के लिए टोल फ्री नंबर लॉन्च किया है, 1800-313-4483। आप इस पर कॉल करके अपना करियर गाइडेंस ले सकते हैं और पर्सनल काउंसलिंग भी ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपका पैसा नहीं लगना है आपको, ठीक। तो ये नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने दोस्तों यारों के साथ, सखी सहेलियों के साथ इसे शेयर जरूर करें। चलिए तो शुरू करते हैं गाइज। पहले मेरे कुछ क्वेश्चन आएंगे और आपको उसका आंसर देना है। मेरा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि विच कंट्री डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री हैज स्टॉप द ग्लोबल। आप लोग आंसर दीजिए, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। आप लोग आंसर दीजिए, मैं एक मिनट में आ रहा हूँ। आंसर दीजिए आप लोग। ठीक है। आंसर क्या होगा? आंसर इस यूके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो यूके हमारा सही आंसर है। तो यूके हमारा सही आंसर है, बिल्कुल आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो यूके हमारा सही आंसर है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये यूएस है, यूएस है, यूएस ने टॉप किया है। यूके टॉप नहीं किया, यूएस ने टॉप किया है। तो इसको हम सही पहले कर दें, वो एक्चुअली स्लाइड ऊपर नीचे हो गई है, तो थोड़ा सा है, ठीक है। तो यूएस इज राइट आंसर। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 4 पॉइंट हमारे पास है, इन चारों पॉइंट की बात हम करेंगे। तो पहले हम यूके की बात कर लेंगे। यूके, तो यूके की बात करें गाइस, यूके की, तो यूके फर्स्ट प्लेस पर है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, ठीक है। एक इंडेक्स है, मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, और इंडिया को 34th रैंक मिली अगर हम इंडेक्स की बात करें तो। दूसरे नंबर पे जो पॉइंट हमारे पास है, हम यूएस की बात कर लें। यूएस, यूएस 46 बिलियन डॉलर के साथ टॉप पर है इन वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इंडिया 9वें नंबर पे है, 51 बिलियन डॉलर के साथ 2019 वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट हर साल कौन निकालता है? तो वो निकालता है यूएनसीटीएडी। पहले का यूएस है, पहले का यूएस है, मैं बोल तो रहा हूँ, पहले का यूएस आंसर है, ठीक। हाँ, पहले पे यूएस है, ठीक है। अब आगे बात करें तो हमारे पास और ऑप्शंस क्या हैं, जैसे इंडिया, हमारे पास ऑप्शंस है। इंडिया की बात करें तो इंडिया को 12वीं रैंक मिली है नेचर इंडेक्स में, और टॉप किया चाइना ने। और क्या ऑप्शन हमारे पास है? स्वीडन है, देख लेते इसको भी। स्वीडन की बात कर लें तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया की 74th रैंक है, और स्वीडन ने इसमें टॉप किया है। तो ये इंडेक्सेस के लिए काफी जरूरी था। तो एक बार फिर से हम बात कर ले रहे हैं, तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत की 74th रैंक है, टॉप बाई यूएस। और अगर हम नेचर इंडेक्स की बात करें तो इंडिया की रैंक है 12वीं, टॉप बाई चाइना। अगर हम बात करें वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की, तो 2019 में सबसे ज्यादा एफडीआई यूएस के पास आई, 246 बिलियन डॉलर की। इंडिया 9वें नंबर पे है। और अगर हम बात करते हैं ग्लोबल रियल इस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में, उसमें यूके ने टॉप किया है, इंडिया को 34th रैंक मिली है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल सेल इन द ईयर 2019 एज पर द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन? तो आपको बताना है कि विश्व फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के हिसाब से 2019 में कुल बिक्री के मामले में भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग की रैंक क्या है, ये आपसे पूछा गया, और आपको इसका आंसर देना है। भैया 5-4 ऑप्शंस, और आपको इसका सही आंसर देना है, जल्दी से इसको आंसर दें, ठीक है। 15, तो आप लोग बोलो 15, क्या 15 सही आंसर है? तो 15 हमारा बिल्कुल सही आंसर है, भारत 15वें नंबर पे है। तो ये 23वें नंबर पे और 168 नंबर पे और 56 नंबर पे क्या क्या चीजें हैं, हम वो देखेंगे। तो पहले हम 23वें नंबर की बात करते हैं गाइस। तो इन द स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग की बात करें, इंडिया को 23rd रैंक मिली है, टॉप बाय द यूएसए, ठीक। तो इंडिया 23वें नंबर पे है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में। इंडिया 168 नंबर पे कहां पर है वो हम देख लेते हैं। तो इन द एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया को 168 रैंक मिली है, और टॉप बाई डेनमार्क, ये भी देख लीजिएगा, ठीक है, टॉप बाई डेनमार्क, ठीक। 56 रैंक कहां पर इंडिया की, वो देख लेते हैं हम लोग। तो इन द सेफ्टी एंड द रिस्क असेसमेंट ऑफ द नेशन टैकलिंग कोविड 19,
मतलब कोविड-19 को कोई देश कैसे टैकल कर रहा है, उसमें इंडिया को 56 रैंक मिली है और टॉप बाई स्विट्जरलैंड, ठीक। और अगर हम 43rd रैंक की बात करें, यानी कि ई ऑप्शन ला देता हूँ मैं यहाँ पर, ई ऑप्शन 43rd, ठीक। तो अगर हम 43rd रैंक की बात करें तो वर्ल्ड कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स में इंडिया को 43rd रैंक मिली है, टॉप बाई सिंगापुर। तो मैंने आपको बहुत सारे इंडेक्सेस अभी रिविजन करा दिए, याद करना है आपको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग करिए आप 7 AM पे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आंद्रे शुरले हैज रिसेंटली अनाउंस हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द प्रोफेशनल फुटबॉल, ही प्लेड फॉर विच कंट्री। आंद्रे शुरले ने हाल ही में पेशेवर फुटबॉल से अपना रिटायरमेंट ले लिया है, वो किस कंट्री के लिए खेलते थे? स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जर्मनी, इजिप्ट। 5 ऑप्शन हमारे पास है और हम सबको सही आंसर देना है क्या इसका आंसर है। पंकज जी गुड मॉर्निंग, 7 AM पे करिए, गुड मॉर्निंग। चलिए जल्दी से आंसर की बात कर लें, दिन के 2 बजे हमारा फाइनेंशियल करंट अफेयर्स पर क्लास है, काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आपके लिए। आंसर की बात कर लें, आंसर इज जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी। तो जर्मनी हमारा सही आंसर है। तो आंद्रे शुरले जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी थे जिन्होंने सेवा निवृत्ति की घोषणा दी। तो फिर स्पेन से कौन है, ऑस्ट्रेलिया से कौन है, चाइना से कौन है, इजिप्ट से कौन है? तो हम 4 और गेम की बात करेंगे, उनके खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ले लिया। पहले हम स्पेन की बात करते हैं, ठीक है। तो स्पेनिश फुटबॉल प्लेयर आरिट अदुरिज, इन्होंने भी, ये फुटबॉल प्लेयर थे स्पेन के, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है, ठीक। तो स्पेन की बात हमारी हो गई, ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं एक बार, ठीक। तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल टीम कैप्टन माइल जेडनियाक, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया है, तो एक पॉइंट हमारे पास ये हो गया। उसके बाद हम चाइना की बात कर लें, तो चाइना के वर्ल्ड फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 लिन डैन कौन है बेटा, लिन डैन बैडमिंटन के प्लेयर हैं, इन्होंने भी क्या किया है, रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। लिन डैन बैडमिंटन प्लेयर, तो तीसरा चाइना हमारा बैडमिंटन के लिए है, तो याद रखिएगा, ठीक है। और हम देख लें ऑप्शन में, तो इजिप्ट के लिए क्या है वो देख लेते हैं। तो इजिप्शियन स्क्वैश प्लेयर रानीम अल वेली, ये फीमेल है, ठीक, इन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया है रिटायरमेंट का। तो इजिप्ट की स्क्वैश प्लेयर का हमने इन्फॉर्मेशन दिया आपको, चाइना का बैडमिंटन प्लेयर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉल प्लेयर और स्पेन के फुटबॉल प्लेयर, इन्होंने अभी रिसेंटली में अपना रिटायरमेंट ले लिया है। आगे बढ़ते हैं गाइज, और अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की। हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द इंड गेम, इंड गेम एक नॉवल आ रही है, उसके ऑथर कौन है, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपसे पहले भी बताया हुआ है। उर्जित पटेल ने कौन सी बुक लिखी है, आरसी भार्गवा ने कौन सी बुक लिखी है, ए के श्रीकुमार ने कौन सी बुक लिखी है और स्टीफन किंग्स ने कौन सी बुक लिखी है, हम उसकी बात भी करने वाले हैं आपसे, ठीक है, ठीक है। आंसर आने शुरू गए हैं, तो हुसैन जैदी ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। आइए आपको उर्जित पटेल, आरसी भार्गवा, ए के श्रीकुमार और स्टीफन किंग की पुस्तक का नाम भी बता देते हैं। तो फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने एक बुक लिखी है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ये भी हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक। उसके अलावा गाइस आरसी भार्गवा की बात करें तो ये मारुति सुजुकी के चेयरमैन है, इन्होंने बुक लिखी है गेटिंग कॉम्पिटेटिव अ प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया। उसके अलावा ए के श्रीकुमार की बात करें और रूपा शिकमा की बात करें, इन्होंने बुक लिखी है महावीर द सोल्जर हु नेवर डाई और स्टीफन किंग की अभी बुक आई है इफ इट ब्लीड्स, ठीक। तो इन चारों के बारे में हमने आपसे बात कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू MD एंड द CEO ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज। ये करंट अफेयर्स अखिलेश सर ने आपको शनिवार को पढ़ाया था, तो मैं इस पर क्वेश्चन पूछ ले रहा हूं। वी हैव 5 ऑप्शन और आपको इसका सही आंसर देना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड ने किसे अपना MD CEO बनाया? तो तुषार मेहता क्या बने हैं, रविंदर भाकर क्या बने हैं और श्रीकांत माधव वैद्य क्या बने हैं और निगर जोहर क्या बनी है, हम इनकी बात भी आपसे करने वाले हैं, ठीक है। देखिए तो आंसर हमारा है AK तिवारी या अश्विनी कुमार तिवारी, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड कंपनी के MD CEO बने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंडर एक सब्सिडी कंपनी है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए तुषार मेहता की बात करें गाइस, तो तुषार मेहता रीअपॉइंट हुए हैं हमारे देश के सॉलिसिटर जनरल, 3 साल के लिए रीअपॉइंटमेंट इनको मिला है। उसके अलावा रविंदर भाकर की बात करें तो ये CEO बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ये CEO बने हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, ठीक। श्रीकांत माधव वैद्य की बात करें तो ये चेयरमैन बने हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के, श्रीकांत माधव वैद्य IOC के चेयरमैन बने हैं। और पाकिस्तान आर्मी की बात करें तो इन्होंने निगार जोहर, ये वुमेन ऑफिसर है, इसको लेफ्टिनेंट बनाया है और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी महिला को पाकिस्तानी आर्मी ने अपने अपने आर्मी में लेफ्टिनेंट की रैंक दी हुई है। तो इनका नाम क्या है, निगर जौहर, ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस और अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो द नवीन रोजगार छतरी योजना इज एन एम्प्लॉयमेंट स्कीम लॉन्च फॉर द SC/ST ग्रुप बाय विच स्टेट ऑब्लिक यूटी। तो नवीन रोजगार छतरी योजना अम्ब्रेला स्कीम जो है ये किस स्टेट ने शुरू किया है, मैंने आपको पढ़ाया है। इसका आंसर आपको सही देना है क्या है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, दिल्ली, उड़ीसा, ठीक है। आंसर क्या होगा वो हम देख लें, तो आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। छत्तीसगढ़, कर्नाटका, दिल्ली और उड़ीसा, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो एग्जैक्टली में यहां पर हम कर देते हैं छत्तीसगढ़ की जगह वेस्ट बंगाल को,
हाँ ठीक है, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशन हम दे पाए। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल वहां पे ऑप्शन में होगा। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में मातिर इस समरिस्टी स्कीम डेवलप लॉन्च किया है, मातिर समरिस्टी स्कीम। तो मातिर समरिस्टी स्कीम का मतलब क्या है कि ऐसे लैंड जो कि बंजर हो चुके हैं वहां पर इनकम जनरेट करने के लिए हॉर्टिकल्चर और पिसी कल्चर अपनाया जाएगा। तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में मातिर समरिस्टी स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में निकारा सम्मान योजना शुरू किया है। निकारा सम्मान योजना ये बेसिकली वीवर्स के लिए है और इस स्कीम में 10.96 करोड़ रुपीज एलोकेट किए हैं किसने, कर्नाटका गवर्नमेंट ने। वहीं दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने क्या लॉन्च किया है, लीड। लीड का फुल फॉर्म क्या है, लीड का फुल फॉर्म है लर्निंग थ्रू ई रिस्पॉन्स मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली। तो लीड स्कीम लॉन्च हुई है। उसके अलावा गाइस आगे बात करें तो ओडिशा गवर्नमेंट, कल मैंने आपको बताया था कि ओडिशा गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में लैंडलेस फार्मर के लिए बलराम स्कीम लॉन्च की है। रॉक माइकल का नाम भी बलराम ही असली में, ठीक। और इसके लिए 1040 करोड़ रुपीज का एक फंड एलोकेट किया गया है। तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इंटरनेशनल चेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, ये आपसे पूछा गया है, मैंने कल आपको पढ़ाया था। इंटरनेशनल चेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, आंसर आपको देना है। वी हैव फाइव ऑप्शन, क्या इसका आंसर होगा 20 जुलाई, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 15 जुलाई, 17 जुलाई। तो इसका आंसर होगा 20 जुलाई, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो 11 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 12 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, 15 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं और 17 जुलाई को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं, आइए देख लेते हैं। तो 11 जुलाई को हम वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 12 जुलाई को हम वर्ल्ड मलाला डे सेलिब्रेट करते हैं, 15 जुलाई को हम वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट करते हैं, 17 जुलाई को हम वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस भी सेलिब्रेट करते हैं और वर्ल्ड इमोजी डे भी हम सेलिब्रेट करते हैं 17 जुलाई को ही। तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। आगे बढ़े गाइस और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाउ मेनी एमओयू वर्थ रुपीज 10,399 करोड़ रुपीज वे आर साइन बाई द तमिलनाडु गवर्नमेंट विथ इंडस्ट्रियल ग्रुप टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द स्टेट। ये करोड़ है ना, तो राज्य में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए औद्योगिक समूह के साथ तमिलनाडु सरकार ने 10,399 करोड़ रुपीज के कितने एमओयू साइन किए हैं, ये आपसे पूछा गया है। वी हैव फाइव ऑप्शन, 8, 9, 10, 11, 12। कितने एमओयू साइन हुए हैं, अरविंद बोल रहे हैं 8 एमओयू, अंगिता मित्तल भी बोल रही हैं, ठीक है आंसर इज 8। तो 8 एमओयू साइन हुए हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज ग्रुप की वहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। टोटल 10,399 करोड़ रुपीज का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है आगे बढ़े, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर अंडर मधु बाबू पेंशन योजना। तो मधु बाबू पेंशन योजना के तहत किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर को भी शामिल कर लिया है, ट्रांसजेंडर को भी इस पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। वी हैव फाइव ऑप्शन और आपको इसका सही आंसर देना है, क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, पंजाब, उड़ीसा, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ओडिशा, ऑप्शन नंबर 5 इज राइट आंसर। इन सब के डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी पीडीएफ में आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है चलिए, तो ओडिशा हमारा सही आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे गाइस और बात करेंगे आज के अपने डेली करंट अफेयर्स की, लेकिन स्टार्टिंग करेंगे हमेशा की तरह अपने मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है कि वर्क फॉर अ कॉज, वर्क फॉर द कॉज नॉट फॉर अपलॉज। अपलॉज का मतलब होता है गाइस कि वाहवाही के लिए, टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। तो कहने का मतलब क्या है कि देखो, पहली बात कि इसको हम रिलेट करते हैं अपने प्रिपरेशन के साथ। तो जब हम प्रिपरेशन करते हैं कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक सब्जेक्ट में हम बहुत अच्छा कर रहे होते हैं और दूसरे सब्जेक्ट में हम अच्छा उतना नहीं कर रहे होते, ये हमको भी पता होता है। लेकिन सिलेक्शन के लिए गाइज आपके चारों पांचों सब्जेक्ट का स्ट्रांग होना जरूरी है, ये आप भी जानते हैं। हर सब्जेक्ट को आपको टाइम देना पड़ेगा, तो दूसरों की वाहवाही के लिए अपना काम मत करिए। आपका टारगेट होना चाहिए आपका सिलेक्शन, आपका टारगेट होना चाहिए आपका सिलेक्शन। तो अपने आप को एक्सप्रेस करिए, एक्सप्लोर करिए, अपने आप को डायनेमिक बनाइए। किसी को किसी चीज के लिए इंप्रेस करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए, या दिखावटी काम नहीं करना चाहिए कि हम दिन भर किताब खोल के बैठे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, फेसबुक कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो वर्क फॉर अ कॉज नॉट फॉर वाहवाही, टू एक्सप्रेस नॉट टू इंप्रेस। ठीक, तो ये हमने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर्स और स्टार्टिंग करेंगे नेशनल करंट अफेयर्स की। और नेशनल करंट अफेयर्स में गाइज आपको पता है कि हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसके लिए गवर्नमेंट और हमारे देश के कुछ इंडस्ट्रियल ग्रुप कंटिन्यूअस वर्क कर रहे हैं। तो भारत का पहला, इंडिया का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इनॉग्रेटेड इन न्यू दिल्ली। तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा, चार्जिंग प्लाजा का मतलब क्या है, प्लाजा लाइक एक बड़ा शॉप, एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्लाजा। तो ये जो प्लाजा है इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट लोड के चार्जर है, मतलब कोई गाड़ी छोटी होगी तो कोई गाड़ी बड़ी भी तो होगी यार,
तो सबकी अपनी अलग अलग कैपेसिटी है, उसके हिसाब से चार्जिंग पॉइंट लगाए गए हैं। दिल्ली में खुला है, आइए आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है? तो वो है आरके सिंह जी। आरके सिंह जी ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है वो लॉन्च किया है, और दिल्ली में कहां पे लॉन्च किया? दिल्ली में चेम्सफोर्ड में लॉन्च किया है, ये एक क्लब है वहां पर लॉन्च किया है, ठीक है। तो आरके सिंह जी ने भारत का पहला पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा लॉन्च किया है दिल्ली में कहां पर? दिल्ली में आपका हिंदी में देखें तो ये देखिए चेम्सफोर्ड क्लब में लॉन्च किया है। तो एक इंफॉर्मेशन ये हमने आपको दे दी है। तो गाइज इसके आगे क्या, तो द प्लाजा हैज 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट। यहां पर 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग पॉइंट है डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस के, जो मैं आपसे बोल रहा था डिफरेंट डिफरेंट लोड फैक्टर के, ठीक। अब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा किसने बनाया है? तो एस्टैब्लिश किया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लाजा जो है वो दिल्ली में लॉन्च किया, किसने इसका इनॉग्रेशन किया? आरके सिंह जी ने। इसमें कितने चार्जिंग पॉइंट है? 5। इसको किसने एस्टैब्लिश किया? तो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ठीक, इन कोलैबोरेशन विद द न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल। भाई म्युनिसिपल म्यूनिसपैलिटी जो है वही जमीन अलॉट करेगी, वही सब कुछ करेगी। तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल के साथ मिलकर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने देश का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा लॉन्च किया दिल्ली में। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए, तो ये हमारी पहली न्यूज थी जो हमने यहाँ पे कंप्लीट की। हम आगे बढ़ेंगे और नेशनल अफेयर्स में न्यूज नंबर 2 की बात करेंगे। यहाँ पे बात महाराष्ट्र की हो रही है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि ओडिशा हमारे देश का पहला स्टेट बन गया है जो कि अपने गवर्नमेंट लैंड की निगरानी करेगा थ्रू सैटेलाइट, थ्रू स्मार्टफोन, थ्रू ड्रोन। और अब हम महाराष्ट्र की बात करेंगे। तो महाराष्ट्र हमारे देश का पहला स्टेट बन गया है जो कि ड्रोन का यूज करेगा टू इंस्पेक्ट पावर लाइन एंड ट्रांसमिशन टावर। तो पावर लाइन और ट्रांसमिशन टावर्स जो कि मतलब हाई टेंशन केबल्स होते हैं, उनकी पूरी निगरानी महाराष्ट्र ड्रोन के थ्रू करेगा। तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, देखिए यहां पे। तो महाराष्ट्र बोलिए या महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी बोलिए, आप महाराष्ट्र याद कर लीजिए। तो महाराष्ट्र हमारे देश का पहला स्टेट बन गया जो कि ड्रोन का यूज करेगा फॉर द एरियल सर्विलियंस एंड द इंस्पेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसमिशन लाइन एंड टावर्स, ठीक। तो जो मतलब ये आपकी जो हाई टेंशन केबल्स होते हैं और जो ये टावर आप देख रहे हो हमारे गाँव गाँव में, ये सब टावर लगे होते हैं ना, आपने देखा होगा जब आप जाते रहते हो मतलब कार वार से हाईवेज पर, तो एक बार खिड़की खोल के आप देखते होंगे जरूर, तो ये सब देखते होंगे। तो इन टावर की निगरानी, हाई टेंशन केबल की निगरानी महाराष्ट्र ड्रोन के थ्रू करने वाला है और ऐसा होने वाला, ये पहला स्टेट हमारे देश का बन जाएगा। तो एक पॉइंट ये भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें। तो COVID-19 का जो इंपैक्ट आया है, अगर आपको लग रहा है कि केवल आपके ऊपर, तो COVID-19 का इंपैक्ट बहुत लोग के ऊपर पड़ा। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने अपने स्टार्टअप्स किए थे, वो सब बंद हो गए। मेरे बहुत सारे दोस्त इवन नोएडा में अपने रेस्टोरेंट या अपना कॉफी शॉप खोला था, वो सब बंद होकर घर पर वो चले गए। बहुत सारे बिजनेसमैन को लॉस हो गया, टीचर्स को लॉस हो गया जो प्राइवेट जॉब करते थे, बहुत लोग की जॉब चली गई। ये सब तो हो ही रहा है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट के मन की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग हैं या हम 10th 12th की बात कर लें, तो आप भी तो कहीं ना कहीं इससे परेशान हो भाई। एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं और एग्जाम्स पूरे हुए नहीं, हमें वही मार्क्स मिल गए जितने हमने, मतलब हो सकता हो कि आगे आने वाले एग्जाम इजी हो, हमें अच्छे मार्क्स मिल जाते। तो जो बच्चे भी परेशान हैं, तो उसके लिए HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च मनोदर्पण इनिशिएटिव टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट। तो मतलब स्टूडेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए एक मनोदर्पण नाम का इनिशिएटिव HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया। आइए आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, देखिए यहां पे। तो हमारे देश के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। तो इन्होंने क्या किया है, एक मेंटल हेल्थ इनिशिएटिव शुरू किया है, मनोदर्पण हिंदी वर्ड है, ठीक है। तो मनोदर्पण, इससे क्या होगा, इससे बच्चों को काउंसलिंग दी जाएगी। अगर आप परेशान हैं मेंटली, अगर आपको लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं है, स्ट्रेस में हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। ये नंबर आपके सामने मैंने दे दिया है, ये नंबर 8 बजे सुबह से लेकर 8 बजे शाम तक चलेगा और ये आपका काम करेगा आपका जो तनाव है उसे कम करने में। आपका मतलब स्टूडेंट की बात यहां पर हो रही है, ठीक है। चलिए, तो एक पॉइंट हमने आपको ये बता दिया। आगे बढ़ते हैं, बुक्स एंड ऑथर की बात करते हैं गाइस। तो बुक्स एंड ऑथर में अगर हम बात करें, तो एक बुक आई है, सूरज कड़े मर्दा नहीं, मतलब कि जो सूर्य है वो कभी अस्त नहीं होता है। और इस बुक के ऑथर कौन है? बलदेव सिंह सदाकमना है, सदाकमना। तो बलदेव सिंह सदाकमना जो है वो सूरज कड़े मर्दा नहीं नामक बुक को लॉन्च किया। एग्जैक्टली जलियांवाला बाग कांड आपको याद होगा, तो उसमें जनरल डायर ने क्या किया था वो भी आपको पता होगा। तो बेसिकली ऊधम सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे, उनकी मौत हो गई थी, तो ऊधम सिंह के ऊपर ये बुक आई है, आइए आपको दिखा दें।
तो साहित्य अकेडमी विनर है भाई ये बलदेव सिंह जी, इन्होंने सूरज कड़े मरता नहीं नाम की बुक लिखी है, मतलब कि सन नेवर डाई, सन नेवर डाई, सूर्य कभी अस्त नहीं होता है, ठीक है। तो एक बुक आपके सामने ये हो गई, ठीक। इस बुक में बेसिकली उधम सिंह, फ्रीडम फाइटर उधम सिंह के बारे में वर्णन किया गया है, और इस बुक को पब्लिश करेगा यूनिस्टार बुक्स इंडिया। यूनिस्टार बुक इंडिया जो है वो इसको पब्लिश करने वाला है, यानी बुक का नाम हमने आपको बता दिया, किस पर ये बुक आई है वो भी हमने बता दिया आपको, और इस बुक को पब्लिश कौन करेगा ये भी हमने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं ये जो बुक है वो 31 जुलाई को लॉन्च की जाएगी। क्यों क्यों? क्योंकि उधम सिंह की 80th डेथ एनिवर्सरी भी 31 जुलाई को है, यानी 31 जुलाई को उधम सिंह जी की कौन सी डेथ एनिवर्सरी है, तो 80वीं है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, ऐसा घुमा के, तो ये भी आपको लर्न करना। आगे बढ़े गाइस, अब स्पोर्ट्स की बात करते हैं, और एक बड़ी दुख की खबर आई है सामने, क्योंकि आईपीएल नहीं हुआ इस बार का, तो हम ऐसे भी मायूस थे, बहुत सारे लड़कों के चेहरों की रंगत उतर गई थी, जो है समझ रहे ना क्यों, आईपीएल हुआ नहीं, मतलब होगा भी कि नहीं वो भी अनसर्टेनिटी है। उसके अलावा हमें कहा थी कि T20 वर्ल्ड कप जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है वो तो हो जाएगा, लेकिन आईसीसी ने इसको पोस्टपोन कर दिया है, और 2 साल के लिए पोस्टपोन किया है, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में होता है, तो आईसीसी मैन T20 वर्ल्ड कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था वो 2022 के लिए पोस्टपोन हो गया। और यही नहीं, एक दुख की बात और है, जो 2023 में इंडिया में आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला था ना, मार्च में होने वाला था, उसको भी डिले कर दिया गया है, और वो अक्टूबर नवंबर में होगा। आइए पूरी इंफॉर्मेशन देखिए, तो आईसीसी ने क्या किया है, आईसीसी ने T20 मेंस वर्ल्ड कप को क्या कर दिया है, इसका स्केड्यूल जो है वो चेंज कर दिया। तो पहले आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था इसी साल अक्टूबर नवंबर में, लेकिन अब ये 2022 में होगा ड्यू टू द COVID-19 पैंडेमिक। तो COVID-19 पैंडेमिक की वजह से जो है वो ये डिले किया गया है, ठीक है, तो 2022 में होगा, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, इसके अलावा देखिए 2023 ODI वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में होने वाला है, जो कि होने वाला था फरवरी मार्च में, इसको अक्टूबर नवंबर के लिए भी रीस्केड्यूल कर दिया गया है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करें तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप कब होगा, तो ये होगा अब 2022 में, ये 2020 में होने वाला था, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था, ठीक। आगे देखें तो गाइस, फ्रांस फुटबॉल जो है वो हर साल बैलन डी ओर, एक काफी रेप्यूटेटेड अवार्ड है जो कि हर साल देती है, और इस साल पहली बार ऐसा हो रहा है, मतलब बैलन डी ओर के पूरे इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये जो अवार्ड फंक्शन है ये कैंसिल हो गया है। तो बैलन डी ओर 2020 कैंसिल फॉर द फर्स्ट एवर टाइम एमिड COVID-19 पैंडेमिक, पहली बार बैलन डी ओर जो ये अवार्ड है फुटबॉल का, जो फ्रांस फुटबॉल देती है, इसे अभी कैंसिल कर दिया गया। 2019 में इस बैलन डी ओर के विजेता लियोनेल मेसी थे, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आइए आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो बैलन डी ओर ये जो अवार्ड है फुटबॉल का, ये इस साल नहीं दिया जाएगा, ये अवार्ड जो है वो फ्रांस फुटबॉल देती है, और फ्रांस फुटबॉल ने ये अनाउंसमेंट कर भी दिया कि इस साल का बैलन डी ओर अवार्ड हम नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ कि ये कैंसिल हुआ है, ठीक। आगे देखिए, द प्रेस्टीजियस फुटबॉल ऑनर वॉज एस्टैब्लिश इन 1956, तो 1956 से ऐसा पहली बार हुआ है कि ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा। तो मतलब बैलन डी ओर अवार्ड किस स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है, फुटबॉल के लिए। कौन सी गवर्नमेंट देती है, कौन सा कंट्री देता है, तो फुटबॉल फ्रांस देता है। ये कब से शुरू हुआ, 1956, और ये पहली बार कैंसिल हुआ, ये सब पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की बात करें गाइस, तो बैलन डी ओर अवार्ड की बात करें, इसमें बेसिकली आपको लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डोमिनेशन मिलेगा 2008 से, मतलब दो, अगर आप 2018 छोड़ दीजिए, 2018 में लुका मॉड्रिक जो है उनको बैलन डी ओर मिला था, वरना 2008 से लेकर 2019 तक कॉन्टिन्यूस ये कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को और कभी लियोनेल मेसी को मिला, ठीक। तो देख लीजिए यहाँ पे 2008 से, वो यहाँ पे लिखा भी है, एक्सेप्ट ऑफ 2018 when it was won by the Luka Modric. तो Luka Modric को 2018 का बैलन डी ओर मिला और 2019 का मैसी को मिला था, ठीक। अब अगर बात करें तो रोनाल्डो ने बैलन डी ओर को 5 बार जीता है, वही मैसी ने बैलन डी ओर को 6 टाइम जीता है, 6 बार जीता है, 6 बार सबसे ज्यादा लियोनेल मेसी ने ही ये अवार्ड जीता है, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं एग्रीमेंट, पैक्ट और MOU। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि CBDT ने सेबी के साथ एग्रीमेंट किया है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, और अभी बात कहां पे करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने क्या किया है, इसने एक MOU साइन किया है विद द मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई फॉर द शेयरिंग ऑफ डेटा। गाइस देखो ये क्या इसका मतलब होता है, अगर आप ध्यान से देखिए तो आत्मनिर्भर भारत की बात कर लें,
है ना, तो इन सब में एमएसएमई को काफी ज्यादा सहूलियत मिली है। एमएसएमई को कई तरह के छूट मिलते हैं, कई तरह की सब्सिडी मिलती है, लेकिन इन एमएसएमई को हम कैसे जज करें कि हाँ ये कंपनी माइक्रो में आती है, ये स्मॉल में आती है, ये मीडियम में आती है। भाई अगर कोई मुंह से बोलेगा तो वो क्या सही सही बोलेगा? तो जैसे मान लो मैं अपनी बात करूं, मेरा कोई स्मॉल फर्म है, तो जब मैं बिजनेस करता हूं मेरा जो टर्नओवर होता है, जो मैं टैक्स पे करता हूं, तो वो सब टैक्स कहाँ आता है? वो सब टैक्स सीबीडीटी के पास जाता है। तो सीबीडीटी अब आपकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से शेयर करेगी ताकि आपका क्लियरली क्लासिफिकेशन किया जा सके कि हाँ आप सही हैं, आप माइक्रो में हैं, आप सही हैं, आप स्मॉल में हैं, आप सही हैं, आप मीडियम में। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। ठीक, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। हमारे देश के एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? तो हमारे देश के एमएसएमई मिनिस्टर नितिन जयराम गडकरी जी हैं, नागपुर से। ठीक, तो ये सारे पॉइंट हमने आपको बता दिए, ये भावनाओं को समझने वाली बात है, समझ लीजिए काम आपका हो जाएगा। ठीक, इस एमएसएमई से क्या फायदा मिलेगा तो वो मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की। तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने अभी यूनिसेफ के साथ एग्रीमेंट किया है टू प्रमोट वॉलंटियरिज्म अमंग यूथ। तो मतलब कहने का मतलब क्या है गाइस कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने क्या किया है, यूनिसेफ के साथ एग्रीमेंट किया है। आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत का जो टारगेट है वो युवाओं के बिना पूरा नहीं हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है कि युवाएं अपने से आगे आए, वॉलंटियर करें। तो युवाओं को प्रॉपर मोटिवेट करने के लिए, उनको प्रॉपर वॉलंटियर बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने यूनिसेफ के साथ एक एग्रीमेंट किया है। आइए पूरी इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ पे। द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, किरण रिजिजू जी इसके मिनिस्टर हैं, किरण रिजिजू। ठीक, तो इन्होंने यूनिसेफ के साथ एक करार किया है, जिससे क्या होगा, जिससे कि हमारे देश में 1 करोड़ जो युवा है उनको मोबिलाइज किया जाएगा अमंग, मतलब किस तरफ, तो मतलब कि वो वॉलंटियर बने टू अटेन द गोल ऑफ द आत्मनिर्भर भारत। तो 1 करोड़ युवाओं की जरूरत है, गवर्नमेंट चाहती है कि आप वॉलंटियर करें इसमें, किसमें, आत्मनिर्भर भारत में। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने यूनिसेफ के साथ करार किया है। तो यूनिसेफ के साथ कहा, मतलब किस चीज में करार किया है उसकी हम बात कर लें, तो एग्जैक्टली गाइस यूनिसेफ का एक आर्म है युवा, युवा के साथ एक करार हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स का, युवा, YUWAH, युवा। ठीक, ये भी आपको ध्यान देना है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं आपसे डिफेंस की बात करें तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया है विद द BEML टू प्रोक्योर 1512 माइन प्लॉक। देखो माइन प्लॉक का मतलब क्या होता है गाइस, आप ये टैंक देख रहे हो, टैंक के आगे आपको एक तरह का डिवाइस यहां पे दिख रहा है, और इस डिवाइस में देखो तो कांटे वांटे लगे हुए हैं, ऊपर भी नीचे भी। तो एग्जैक्टली में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल चाइना से हमारी लड़ाई हुई या पाकिस्तान से, हमारे पास बहुत बढ़िया टैंक है, लेकिन आपको यह भी तो पता है कि जो दुश्मन देश है वो जमीनों में लैंड माइंस लगा सकता है। माइंस आपको पता है, मूवीज में आपने देखा होगा कि एक बच्ची का पैर माइन में पड़ जाता है, तभी हीरो आता है और हीरो बच्ची उठा के अपना पैर रखता है, क्योंकि पैर हटेगा तो बम ब्लास्ट हो जाएगा माइन। तो अब किसी ने लैंड माइन आकर बिछा दिया तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये जो आपका माइन प्लॉग होता है उसका काम यही होता है कि वो लैंड माइंस को निष्क्रिय करता है, वो निकाल देता है, ताकि वो टैंक अपना तो जा ही जाए, साथ ही साथ जो पीछे और भी हमारे आर्म्स हैं वो भी हम ट्रांसपोर्ट आराम से कर सके। ठीक है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने BEML के साथ करार किया है 1512 माइन प्लॉग के साथ, जो कि हमारे T-90 टैंक में लगाए जाएंगे, देखिए यहां पे। तो डिफेंस मिनिस्ट्री एंड भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इनके बीच में करार हुआ है। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड डिफेंस मिनिस्ट्री को 1512 माइन प्लॉक बनाकर देगी, और इसके लिए टोटल 557 करोड़ रुपीस डिफेंस मिनिस्ट्री खर्च करने वाली है। तो 557 करोड़ बोल लीजिए या 557 करोड़ बोल लीजिए, इतना अमाउंट का करार हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के बीच में। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने आपको ये बता दिया। अब ये जो माइन प्लॉग है ना गाइस, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है कि ये टैंक के लिए जो माइंस होते हैं लैंड माइन, उनको ये क्लियर कर देते हैं। अब ये माइन प्लॉग जो है ये कहां लगाए जाएंगे, ये T-90 टैंक में लगाए जाएंगे, और मतलब कि ये जो 1512 प्लॉग है टोटल इनका जो काम होगा वो 2027 तक चलेगा, मतलब 2027 तक ये T-90 टैंक में डिप्लॉय किए जाएंगे। काफी लेट हो जाएगा लेकिन फिर भी ठीक है, कुछ नहीं से बढ़िया कुछ तो मिल जाए आपको। तो ये हमने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे गाइस, और अब बात करते हैं डिफेंस एक्सरसाइज की। तो इंडियन नेवल, इंडिया की जो नेवी की सेना है, उसने एक एक्सरसाइज किया है, एक्सरसाइज का नाम क्या है, पैसेक्स, या फिर पैसेज एक्सरसाइज बोल सकते हैं आप लोग, विद द यूएस नेवी। कहां पे किया है, हिंद महासागर में किया है। तो इंडियन नेवी ने यूएस नेवी के साथ मिलकर एक डिफेंस एक्सरसाइज किया है, पैसेज एक्सरसाइज, या फिर इसको हम पैसेक्स बोलते हैं।
तो बेसिकली चाइना का जो डिनोमिनेशंस जो डोमिनेशंस है साउथ चाइना सी में, और वो हमेशा ट्राई करता है कि हिंद महासागर में इंडिया को वो डराए, तो इसको काउंटर करने के लिए, और यूएस ये करेगा, यूएस चाइना को डर दिखाना चाहता है, वो चाइना के सारे रास्ते ब्लॉक भी करना चाहता है। एग्जैक्टली मैं जो पैसेज एक्सरसाइज है नाम समझिए इसका, तो जो पैसेज एक्सरसाइज है, तो चाइना जो साउथ चाइना से एक स्ट्रेट ऑफ मलाका आता है जो इंडिया मिलता है, अगर वहां पर हम चाइना को ब्लॉक कर देंगे तो चाइना को बहुत बड़ा नुकसान होगा, ये दिखाने के लिए चीज की हुई है। ठीक, आइए बात करते हैं आपसे पूरी। देखिए तो इंडियन नेवी ने पैसेक्स नाम का एक एक्सरसाइज लॉन्च किया, शुरू की, मतलब किया किस साथ, यूएस नेवी के साथ किया। इंडियन नेवी ने एक डिफेंस एक्सरसाइज किया यूएस नेवी के साथ, नाम किया है पैसेक्स। ठीक, और यूएस की कौन सा शिप था, तो यूएसएस निमिट्स। तो यूएसएस निमिट्स क्या है, एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो उसके साथ ये डिफेंस एक्सरसाइज हमने की है। अच्छा, हमारे साइड से कौन कौन से शिप थी, तो हमारे साइड से आईएनएस लाना, आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कमोल्टा, इन चार आईएनएस ने पार्टिसिपेट किया। और यूएस साइड से, तो यूएस साइड से यूएसएस निमिट्स ने पार्टिसिपेट किया, तो ये पॉइंट आपको लर्न करना है। ठीक, तो ये एक्सरसाइज कहां पर हुई, तो ये एक्सरसाइज हिंद महासागर में अंडमान निकोबार आइलैंड के पास से शुरू हुई, और ये पूरे इंडियन ओशियन रीजन में हुई, पूरे इंडियन ओशियन रीजन में हुई, तो ये भी हमने इंफॉर्मेशन आपको दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, डिफेंस में न्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। तो साउथ कोरिया ने अपना पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है ANASIS-2 बाय द फॉल्कन 9 रॉकेट। तो गाइस अगर मैं आपसे फॉल्कन 9 रॉकेट के बारे में पूछूं कि भाई फॉल्कन 9 रॉकेट कौन सी कंपनी बनाती है, नासा बनाती है, इसरो बनाती है, जाक्सा बनाती है, कौन बनाती है, तो फॉल्कन 9 रॉकेट जो है वो किसका है, स्पेसएक्स का है। तो इस स्पेस एक्स के रॉकेट से साउथ कोरिया ने अपना पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, फ्लोरिडा से किया, फ्लोरिडा यूएस में आता है। ठीक है, आइए आपको पूरी इंफॉर्मेशन दिखाते हैं। तो साउथ कोरिया ने अपना पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, इसका नाम इसीलिए आर्मी के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन सिस्टम SIS-2। तो ANASIS नाम क्यों पड़ा वो मैंने आपको बता दिया। तो साउथ कोरिया का ये पहला सैटेलाइट है। तो अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि चलो ठीक है, साउथ कोरिया ने अपना पहला मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, तो अभी तक कितने देशों ने अपना मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है, तो टोटल 10 कंट्रीज हैं, 10 देश हैं जिन्होंने अपना मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट जो है ये फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया जो कि स्पेस एक्स ने बनाया था। और कहां से ये लॉन्च हुआ, तो ये फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयरफोर्स, केप कैनावेरल एयरफोर्स एयरफोर्स स्टेशन लॉन्च किया गया। तो ये फ्लोरिडा में, फ्लोरिडा कहां पे, यूएस में, फ्लोरिडा के मतलब यूएस में फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयरफोर्स से लॉन्च हुआ। याद रखिएगा नाम, थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने दी। तो इस लॉन्च के साथ साउथ कोरिया 10वें नंबर का देश बन गया है जिसने कि अपना मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो एक इंफॉर्मेशन ये आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं गाइज, और अब बात करते हैं एक्स्ट्रा हाईलाइट की। तो दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का मतलब, अगर आप दिल्ली में राशन कार्ड होल्डर हो, आपको चावल गेहूं जो चाहिए, तो दिल्ली गवर्नमेंट आपके घर पर, डोर स्टेप पर आपके ये सारे अनाज वनाज प्रोवाइड करेगी जो भी आपको मिलता है राशन की दुकानों से। तो दिल्ली कैबिनेट अप्रूव मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। देखिए यहां पर, तो दिल्ली कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से राशन की दुकानों में लंबी लंबी लाइन लग रही है जिससे कि कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन का खतरा है। तो कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने के लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने यह स्टेप लिया है कि आपको शॉप पर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पर बैठिए, दिल्ली गवर्नमेंट आपके घर पर सामान पहुंचाएगी। हालांकि यह स्कीम इंप्लीमेंट करने में बहुत टफ होगा क्योंकि राशन की दुकान में बहुत भीड़ होती है, आप किसके किसके घर पहुंचेंगे। ठीक, अब जो गरीब व्यक्ति है वो कैसे आपको कॉन्टैक्ट करेगा, है जिसके पास स्मार्टफोन्स नहीं है, एप्लीकेशन वो डाउनलोड नहीं कर सकता, वो कैसे आपसे बात करेगा। हालांकि ये कोई पॉलिटिकल पॉइंट नहीं, मैं केवल एक मुद्दा बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा और क्या हुआ है, और अरविंद केजरीवाल ने यह भी बोला है कि इस स्कीम को हम वन नेशन वन राशन कार्ड के साथ मर्ज करेंगे, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको दे दी। इसके बाद आगे बढ़ेगा इस, तो एमजी मोटर्स, आपने नाम सुना होगा, एमजी मोटर्स और टाटा पावर, इन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया है। एमजी मोटर्स और टाटा पावर ने आपस में एग्रीमेंट किया है। क्या एग्रीमेंट है, तो पहले याद रखो, एमजी मोटर और टाटा पावर, इनके बीच में एग्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है, ये लोग फास्ट चार्जर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल है डिप्लॉय करेंगे एट सिलेक्टेड डीलरशिप ऑफ द पैसेंजर्स व्हीकल मैन्युफैक्चरर। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब कि
ये मतलब फॉर एग्जांपल जो भी एमजी मोटर्स या टाटा मोटर्स के जो भी मतलब डीलर होंगे, तो डीलर की जगह पर ये लोग एक फास्ट चार्जर्स लगाएंगे फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल। कि मतलब एक तो ये हो जाएगा कि अगर आपको कार खरीदनी है, आप इन इन शोरूम से कार खरीद लो। अगर आप कार खरीद चुके हो पहले और आपको ट्रैवलिंग करनी है, आपको अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करना है, तो आप यहाँ पर जाएं और चार्ज भी कर लें, मतलब एक तरह का चार्जिंग स्टेशन। तो एमजी मोटर और टाटा पावर ये अपने सिलेक्टेड डीलर्स के पास क्या करेंगे, फास्ट चार्जर लगाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो एक इंफॉर्मेशन ये हमने आपको दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो हीरा नंदानी ग्रुप योटा इंक्ड अ पैक्ट। योटा का नाम सुना होगा आपने, यूटा का नाम सुना होगा, वर्ल्ड का नंबर टू डेटा सेंटर कहाँ बना, मुंबई में बना, पनवेल में बना, यूटा ने बनाया। तो हीरा नंदानी ग्रुप की यूटा कंपनी ने एक पैक्ट साइन किया है, और ये पैक्ट किस के साथ साइन किया है हम वो दिखाते हैं आपको। तो हीरा नंदानी ग्रुप के अंडर में काम करने वाला यूटा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसने गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। तो अब यूटा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये तमिलनाडु में एक डेटा सेंटर पार्क बनाएगा, चेन्नई में बनाएगा। तो चेन्नई में डेटा सेंटर पार्क बन रहा है, ये कौन बनाएगा, ये योटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है, ये भी आपको लर्न करना है। आगे बढ़ेगा इस, और अब बात करते हैं न्यूज नंबर 4 की, ठीक। तो बांग्लादेश बैन फ्री इंटरनेट सर्विसेज। तो बांग्लादेश ने अपने देश में टेलीकॉम कंपनी जो कि फ्री इंटरनेट प्रोवाइड कर रही है, उनसे कहा है कि आप फ्री में इंटरनेट कस्टमर को न दें, क्योंकि फ्री में इंटरनेट देने से अनहेल्दी प्रैक्टिसेस देश में शुरू हो जाएंगे और इससे क्राइम रेट भी बढ़ सकता है। तो बांग्लादेश ने बैन कर दिया है अपने देश में फ्री इंटरनेट सर्विस। भाई सिंपल भाई, मतलब ये डिसीजन मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि आप देख रहे हो कि इंडिया में कॉन्टिन्यूअस गूगल या फेसबुक ये कॉन्टिन्यूअस निवेश कर रहे हैं, मतलब इस मंदी में भी इतना बड़ा निवेश इंडिया में हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि गाइस आपको पता है कि इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया मार्केट पहले से था, लेकिन इंडिया में दो तरह के लोग रहते हैं, एक वो लोग जो स्मार्टफोन यूज करते हैं और एक वो लोग जो स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं। तो इनके बीच का गैप कम होता जा रहा है और स्मार्टफोन की संख्या बढ़ती जा रही है। तो भविष्य में इंडिया के जो पर्सन हैं, जो बिजनेस जो पर्सन है, वो डिजिटल रिवोल्यूशन लेकर आएंगे और सब कुछ डिजिटल होने वाला है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर डिजिटाइज हो जाएगी तो किसी भी कंपनी के लिए अपना प्रोडक्ट सेल करना या फिर यूजर का डेटा कलेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि फेसबुक और गूगल को इंडिया से ऐसे ही प्यार हो गया, फेसबुक गूगल इसकी अहमियत जानते हैं, इंटरनेट है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि बांग्लादेश ऑलरेडी एक डेवलपिंग इकॉनमी है, बांग्लादेश को यह नहीं करना चाहिए था फिलहाल, देख लीजिए। तो बांग्लादेश ने अपने टेलीकॉम कंपनी से कहा है कि आप लोग अभी फ्री में इंटरनेट नहीं देंगे, ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये हो गया। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं न्यूज नंबर 5 की। तो गाइस कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी कि कर्नाटका गवर्नमेंट है, उन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ एग्रीमेंट किया। तो एक न्यूज तो वो याद रखनी है आपको। अब ओडिशा ने भी क्या किया है, फ्लिपकार्ट से एग्रीमेंट साइन किया है, और मुद्दा वही है जो कर्नाटका का मुद्दा था, वही मुद्दा ओडिशा का भी है, आइए आपको दिखाते हैं। तो ओडिशा गवर्नमेंट ने एक MOU साइन कर लिया है फ्लिपकार्ट के साथ, ताकि फ्लिपकार्ट के जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस पर ओडिशा जो स्टेट है वहां के आर्ट्स क्राफ्ट और हैंडलूम सेक्टर जो प्रोडक्ट है वो बिक सके। तो अपने स्टेट के आर्ट्स क्राफ्ट एंड हैंडलूम सेक्टर्स को बूस्ट करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ ओडिशा ने गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है। आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ, बस ये याद रखिएगा कि फ्लिपकार्ट एक प्रोग्राम चला रहा है, समर्थ प्रोग्राम। तो समर्थ प्रोग्राम के अंतर्गत ये डील हुई है, बस ये पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। कुछ दिन पहले कर्नाटका गवर्नमेंट और अभी ओडिशा गवर्नमेंट, तो ये दोनों आपको लर्न करना ही करना है, और समर्थ प्रोग्राम फ्लिपकार्ट का है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करेंगे राजस्थान की। तो आपको पता है गाइस कि COVID-19 पैंडेमिक की वजह से मतलब हर स्टेट में इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है धीरे धीरे, और स्टेट को लॉस हो रहा है, ऑलरेडी स्टेट गवर्नमेंट लॉस में है। तो स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि मतलब उनके यहाँ निवेश बढ़े। जैसे मैंने आपको एक न्यूज दी थी कि मतलब अगर आप 2020-21 पहले क्वार्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा निवेश तमिलनाडु में हुआ था, टोटल निवेश का 17% अकेले तमिलनाडु में हुआ था। मैंने आपको यह भी पढ़ाया था कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी महापरवाना नाम का एक ऐसा स्कीम लॉन्च किया था टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट, और अभी हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो राजस्थान कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है वन स्टॉप शॉप, इसे शॉर्ट में हम OSS बोलेंगे, ठीक है, स्कीम टू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट। तो ये वन स्टॉप शॉप क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, हमारे इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत होती है लाल फीताशाही। अब ये लाल फीताशाही, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा। तो लाल फीताशाही का मतलब गाइस ये होता है, जैसे मान लो मैं कोई कोरिया का बिजनेसमैन और मैं इंडिया में निवेश करना चाहता हूं, तो इंडिया में निवेश करने के लिए मुझे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस चाहिए अपने प्रोजेक्ट का। अब ये मेरी जो फाइल है वो कहीं और लटकी है कहीं और। अरे मैं तुम्हें सिंपल एग्जांपल दूं, मेरे जीजू को मिर्जापुर में पेट्रोल टंकी का लाइसेंस मिल गया,
मतलब उनकी जमीन थी वहां पर, अलॉट भी हो गया। और आपको पता है मतलब आज से 2 साल पहले उन्होंने हमें मिठाई और पार्टी दी थी, और 2 साल हो चुके हैं और उनकी फाइल आगे बढ़ी नहीं रही है। सब कुछ एलोकेट होने के बाद भी जमीन पे सब कुछ कंस्ट्रक्शन भी हो गया, लेकिन अभी तक क्या है, फाइनली पेट्रोल पंप नहीं खुल पाया, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं और सरकारी काम गाइस सबको पता है तो देर हो जाती है। तो इसी देरी को मतलब ये देरी ना हो, मतलब जो फॉरेन कंपनी निवेश करने के लिए आ रही है या डोमेस्टिक कंपनी निवेश करने के लिए आ रही है, तो उनकी फाइल्स को हम तुरंत तुरंत क्लियरेंस दें। इसके लिए वन स्टॉप शॉप लॉन्च किया गया। देखिए यहाँ तो राजस्थान कैबिनेट ने वन स्टॉप शॉप या फिर OSS बोल सकते हैं लॉन्च किया है, टू फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन प्रपोजल बाय द फैसिलिटेटिंग टाइम बाउंड अप्रूवल एंड क्लियरेंस। वही जो मैंने आपसे बोला, तो फास्ट ट्रैक क्लियरेंस देने के लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने कहा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, तो ये भी याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस, और अब बात करते हैं हम लोग अपने अपने क्वेश्चंस की। मेरे क्वेश्चंस आएंगे, आपको मेरे क्वेश्चन के आंसर देने हैं। मेरा पहला क्वेश्चन, तो इंडिया फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा हैज बीन इनॉग्रेटेड इन, तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है वो कहां पर लॉन्च हुआ, ये आपसे पूछा गया है, आपको उसका आंसर भी देना है। 5 ऑप्शन हमारे पास, ठीक, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। किसने इनॉग्रेशन किया, किसने इनॉग्रेशन किया, तो इनॉग्रेशन किया है मिस्टर आरके सिंह जी ने, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आरके सिंह जी कौन है, तो वो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक। इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा जो है वो न्यू दिल्ली में, इसका इनॉग्रेशन आरके सिंह जी ने किया। ये चार्जिंग प्लाजा जो है ये किसने एस्टैब्लिश किया है इन कोलैबोरेशन विद द न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल, किसके साथ, ये आपसे पूछा गया, तो मैंने आपको पढ़ाया ये, तो ये लॉन्च किया है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गाइस भूलिएगा नहीं, दिन के 2 बजे आज आपका करंट अफेयर्स एमसीक्यू सी क्लास है। किस पर क्लास है, जुलाई मंथ के जो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, हम उस पर क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। Next point, the petroleum minister has inaugurated a battery swapping facility along with quick intercharge service in which of the following city? पेट्रोलियम मंत्री ने किस शहर में त्वरित इंटरचेंज सेवा के साथ एक बैटरी स्वैपिंग सुविधा का उद्घाटन किया? भैया 5 ऑप्शन, आपको उसका आंसर देना है। ये जो लास्ट में एमसीक्यूज होते हैं, मैं देखता हूं कि इसमें भीड़ थोड़ी कम हो जाती है। भैया ये लास्ट एमसीक्यूज में बहुत कुछ आपको हम देते हैं, हम रिविजन भी करवाते हैं आपका, ठीक है। आंसर इज चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर बी, चंडीगढ़ ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आगे बढ़े, सियाराम मिश्रा जी, अच्छा आप चलिए ठीक है, आपने अच्छी बात कही मेरे लिए, ठीक है ओके आगे बढ़ते हैं। आंसर इज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। तो सॉरी क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी। तो हु हैज साइन एन एग्रीमेंट विद द न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी टू प्रमोट इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड इंस्टॉल चार्जिंग स्टेशन एंड रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, तो EESL का हेडक्वार्टर कहां पे, ये आपसे पूछा गया है। भैया 5 ऑप्शन, आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू यूज ड्रोन्स टू इंस्पेक्ट पावर लाइंस एंड ट्रांसमिशन टावर, तो हमको पता है इसका आंसर क्या होने वाला है, इसका आंसर होने वाला है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हर्ष मिश्रा जी थैंक यू सो मच यार, भाई लव यू, और आंखों मेरे आंसू आ गए, लेकिन मैं क्या करूं, दिखा नहीं सकता, मेरे आंसू देश के लिए सूख गया है मतलब। आइए नेक्स्ट पॉइंट, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अप्रूव अ सम ऑफ रुपीज दिस अमाउंट करोड़ फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन के लिए कितना अमाउंट एलोकेट किया, ये आपसे पूछा गया है, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1829 करोड़ रुपीज है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। विच ऑफ द नेशनल पार्क लोकेटेड इन महाराष्ट्र, ये मेरी ट्रिक आपको याद है, मेरी ट्रिक मैंने पढ़ाया है आपको, संजय ने चंदू जो गूंगा था उसके नए गांव जाकर उसे तोड़ा मतलब मारा, संजय चंदू गूंगा नवे गांव तोड़ा सब मैंने पढ़ाया हुआ, ठीक है। तो संजय ने चंदू जो गूंगा था उसके नए गांव जाकर उसको तोड़ा, सब कहां पे, महाराष्ट्र में है ना, ये मैंने पढ़ाया हुआ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन द महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये आपसे पूछा गया, तारापुर है, जैतापुर है, ककरापुर है, और आंसर आपको देना है, यानी कि 2 हैं इसमें से, ये तो शुरू हो गया ऑप्शन देकर, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ए एंड बी होगा, मतलब कि तारापुर तो है ही है और जैतापुर भी यहां पर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर।
कंप्यूटर जी सुधरने वाले नहीं है सोनम। विच फोक डांस इज रिलेटेड टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कौन सा फोक डांस है गाइस? तो लावणी तो मतलब यहाँ का फेमस डांस है ही है, लावणी। तो ये तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है? तो लावणी, कोली डांस, लेजिम और पावरी नाच, ये सब महाराष्ट्र के फोक डांसेस हैं, ठीक। आगे बढ़े। हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल सेट टू लॉन्च द मनोदर्पण इनिशिएटिव टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट? वी हैव फाइव ऑप्शन और आपको इसका सही आंसर देना है। क्या इसका आंसर होगा, ठीक है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ा गया कि यूनियन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक लॉन्च अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन नेम द नेशन टेस्ट अभ्यास। द ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय, तो नेशनल टेस्ट अभ्यास मतलब NTA, इस ऐप को किसने डेवलप किया है? लॉन्च बाय द रमेश पोखरियाल निशंक जी। तो ये हमारे सामने चार ऑप्शन है और इसका आंसर होगा NTA। NTA ने लॉन्च किया है। क्या आप लोग NTA का फुल फॉर्म बता पाएंगे? नेशनल टेस्ट एजेंसी। NTA ने क्या लॉन्च किया है? नेशनल टेस्ट अभ्यास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। नेम द इनिशिएटिव लॉन्च बाय द चाइल्ड मिनिस्ट्री रमेश पोखरियाल निशंक जी टू हेल्प सिस्टमेटिकली असिमिलिएट टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इनक्यूबेटेड स्टार्टअप इन द कंट्री हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में व्यवस्थित रूप से स्टार्टअप शुरू करने के लिए संबंधित तकनीकों और सूचनाओं की मदद करने के लिए एक पहल शुरू की है। नाम उसका बताना है आपको। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा युक्ति 2.0, ऑप्शन नंबर ई। युक्ति 2.0, ऑप्शन नंबर ई इज राइट आंसर। सूरज कड़े मर्दा नहीं बुक जो है उधम सिंह के लाइफ पर लिखी गई है। ये बुक जो है ये किसने लिखी है, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर पता गया। इसका आंसर होगा, आंसर की बात कर ले, आंसर इज बलदेव सिंह सदकामा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज पब्लिश द बुक, कौन करेगा? तो यूनिस्टार बुक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हु हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल्ड बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडिया हाई ग्रोथ ईयर, ये कौन है? ये हमारे देश के प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चीफ भी रह चुके हैं, इनका नाम है मोंटेक सिंह आहलूवालिया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इन्होंने बताया कि इस बुक में कांग्रेस गवर्नमेंट में कैसे इंडिया लगातार कॉन्टिन्यूस ग्रो कर रही थी और कैसे एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद इंडिया जो है लॉस में चली गई है, इंडिया डिप्रेशन में चली गई है, इंडिया रिसेशन में चली गई है, ये इन्होंने इस बुक में बताया। हु हैज ऑथर अ बुक टाइटल द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मिलेनिया ट्रम्प, ये बुक किसने लिखी है, ये आपसे पूछा गया है। अच्छा रिवीजन आपका हो रहा है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मैरी जॉर्डन, ऑप्शन नंबर डी। मैरी जॉर्डन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हु हैज ऑथर्ड अ बुक टाइटल द इनलाइनमेंट ऑफ द ग्रीनेज ट्री, द इनलाइनमेंट ऑफ द ग्रीनेज ट्री नाम की बुक किसने लिखी है? पांच ऑप्शन हमारे पास है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर शकूफ अजहर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल T20 मेंस वर्ल्ड कप जो है ये रीस्केड्यूल कर दिया गया है। कब किया, किस ईयर के लिए किया गया, ये आपसे पूछा गया और आपको इसका आंसर देना है। आंसर इज 2022, ऑप्शन नंबर बी। अंशुल पांडे ने बड़ा अच्छा बात बोली है कि मतलब कि 270 मिलियन जो लोग हैं उनको 2005 से लेकर 2015 तक गरीबी रेखा से नीचे से निकाला गया है। मेरा क्वेश्चन बस इतना है कि गरीबी रेखा की परिभाषा क्या, गरीबी रेखा की परिभाषा क्या? आप शहर में रहते हो और अगर आप गांव में रहते हो और आप 23 रुपए 30 पैसे कमाते हो, गरीब नहीं माने जाओगे। आप शहर में रहते हो 27 रुपए कमाते हो, गरीब नहीं माने जाओगे। ये है हमारे देश में गरीबी की परिभाषा। तो 270 नहीं, और लोग निकलने चाहिए थे, है ना? आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द नंबर वन ऑलराउंडर इन ICC टेस्ट रैंकिंग। अगर आप गांव में रहते और आप 2400 कैलोरी खाना खा रहे हैं, गरीब नहीं। अगर आप शहर में हैं और अगर आप 2100 कैलोरी खाना खा रहे हैं, गरीब नहीं। क्वेश्चन ये उठता है कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आप कितना कैलोरी खाना खा रहे हो। हाँ, तो चलो ठीक है, आंसर इज बेन स्टोक्स, ऑप्शन नंबर डी। तो बेन स्टोक्स, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बात करें, ICC हैज रीस्केड्यूल्ड द T20 मेंस वर्ल्ड कप टू 2022। बिसाइड रीस्केड्यूलिंग द T20 वर्ल्ड कप, द ICC बोर्ड ऑल्सो डिसाइडेड टू पुश विच टूर्नामेंट। ये भी आपको बताएं, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ICC वर्ल्ड कप जो कि 2023 में इंडिया में होने वाला है। अगर आप महीने में 10 दिन जॉब करते हैं, 10 दिन जॉब, अब जॉब कैसी भी आपकी हो, अगर 30 दिन में आप 10 दिन जॉब करते हैं, आप गरीब नहीं माने जाएंगे। नेम द इंडियन अंपायर हु हैज रिसेंटली बीन इंडक्टेड इनटू द ICC एलीट पैनल ऑफ अंपायर्स फॉर द अपकमिंग 2020-21 सीजन। क्या इसका आंसर होगा? आंसर क्या होगा? आंसर इज नितिन मेनन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ICC? तो ICC का हेडक्वार्टर जो है वो दुबई में है और ICC के चीफ शशांक मनोहर ने रिजाइन दे दिया, आपको ये भी पता ही पता है।
विच फुटबॉल ऑनर विल नॉट बी अवॉर्डेड दिस ईयर ड्यू टू द लैक ऑफ द सफिशियंट फेयर कंडीशन एमिड कोविड-19 पैंडेमिक, और आंसर क्या होगा ये आपको बताना। तो आंसर होगा बैलन डी'ओर, ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज्यादा लियोनेल मेसी ने 6 बार ये अवार्ड जीता है, और उसके बाद रोनाल्डो ने 5 बार जीता है। 2019 का भी मेसी नहीं जीता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फुटबॉल ऑनर बैलन डी'ओर जो है ये कब से शुरू हुआ, ये आपसे पूछा गया। मैंने आपको बताया कब से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है 1956 से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हु हैज रिसीव्ड द बैलन डी'ओर द मोस्ट टाइम, 6 टाइम, तो वो मेसी है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आगे पूछा गया है कि किस इसमें से किसने मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस से एग्रीमेंट किया है, तो ये भी मैंने आपको बताया है, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज, आंसर इज प्रताप चंद्र सारंगी जी। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, और कैबिनेट मिनिस्टर कौन है, तो वो कौन है, नितिन जयराम गडकरी जी है, याद रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अ फॉर्मल MOU वॉज साइन बिटवीन द CBDT एंड विच फाइनेंशियल रेगुलेटर, क्या इसका आंसर होगा, आंसर सेबी हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर बी। हु इज द प्रेजेंट चेयर पर्सन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, ये कौन है, ये है प्रमोद चंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स चाहता है कि 1 करोड़ युवा जो है वो वॉलेंटियर करें आत्मनिर्भर भारत के लिए, इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने किसके साथ एग्रीमेंट किया, तो एग्रीमेंट हुआ है यूनिसेफ के साथ, यूनिसेफ की युवा के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर जो आपके सामने है। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स हैज अनाउंस दैट द फॉरेन एंड इंडियन कोचेस जो हैं, अब उनको इंडियन एथलीट को ट्रेन करने के लिए कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, 4 साल कॉन्ट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वॉट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ द नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने कौन सा अपना पहला एप्लीकेशन लॉन्च किया, आंसर इज नाडा इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोक्योर 1512 माइंड प्लॉक डिवाइस, और हमें इसका आंसर पता है, इसका आंसर BEML, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। द डिफेंस मिनिस्ट्री साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद द भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड टू प्रोवाइड 1512 माइंड ब्लॉक डिवाइसेस एट अ कॉस्ट ऑफ, कितना कॉस्ट, तो ये भी हमने पढ़ा है, ये क्या है, 557 करोड़ रुपीज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव परचेज ऑफ हाउ मेनी फाइटर जेट एंड अपग्रेडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग 59 MiG-29 एयरक्राफ्ट, तो कितना हमको पता है, 33, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। How much was the amount approved by the Defence Acquisition Council for capital acquisition of equipment for armed force? मतलब हमारी आर्म फोर्स को अलाउ कर दिया गया है कि आप विदाउट अप्रूवल इतना करोड़ रुपए खर्च कर सकते हैं। एग्जैक्टली में ये चाइना के साथ जब हमारा टेंशन हुआ तब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए इसका आंसर क्या था, इसका आंसर 500 करोड़ रुपीस था, और ये 38900 करोड़ रुपीस जो है वो क्या है, तो ये जो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन की बात की थी, आप देख लीजिए, आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हम जो 33 फाइटर जेट खरीद रहे हैं और 59 मिग का जो हम अपग्रेडेशन करवाएंगे उसका टोटल कॉस्ट जो है वो 38900 करोड़ रुपीस है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं, क्वेश्चन को देख लो, क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, जल्दीबाजी मत करो, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच वॉज द अमाउंट अप्रूव बाई द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल फॉर कैपिटल एक्विजिशन ऑफ इक्विपमेंट ऑफ आर्म फोर्स, तो वो 500 करोड़ रुपए है, ठीक है। नहीं, डाउट मत रखो, मैंने दोनों आपको बता दिया, डाउट क्यों है इसमें, ठीक। द इंडियन नेवी कंडक्टेड द पैसेक्स एक्सरसाइज विद द US नेवी, विच न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट करियर, याद आ गया ना, यूज बाई द US नेवी इन एक्सरसाइज, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर USS निमिट्स होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। Which of the following Indian naval ship participated in the PASEX with the US? तो राणा, शयाद्रि, शिवालिक, कमोटा, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है। इंडिया प्लान टू इनवाइट विच कंट्री टू ज्वाइन द एनुअल मालाबार नेवल एक्सरसाइज दैट हैज सो फार इंक्लूडेड जस्ट जापान एंड द US? तो मालाबार एक्सरसाइज की बात करें तो US, जापान, इंडिया और अब ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करेगा इसमें टू काउंटर चाइना। Which country has launched its first military communication satellite, Army, Navy, Air Force satellite information system too? Answer क्या होगा? Answer होगा South Korea, option number B, ठीक? अब ये जो सैटेलाइट है ये फाल्कन 9 से लॉन्च किया गया, तो फाल्कन 9 जो है वो किसने डेवलप किया ये आपसे पूछा गया है। उसके पहले क्वेश्चन आपसे ये है कि साउथ कोरिया लॉन्च इट फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ये नाम हो गया आपका ANASIS, हु हैज डेवलप इट,
तो किसने इसे डेवलप किया है? तो देखो यहां पर स्पेस एक्स लिखा है, एग्जैक्टली में इस सैटेलाइट को स्पेस एक्स ने डेवलप नहीं किया, मतलब ये जो सैटेलाइट को हम लॉन्च करेंगे जिस लॉन्च व्हीकल से मतलब रॉकेट से, वो है फाल्कन 9 और वो डेवलप किया है स्पेस एक्स ने। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रॉम विच कंट्री साउथ कोरिया लॉन्च फर्स्ट मिलिट्री कम्युनिकेशन? तो वो यूएसए, आपको पता है यूएसए ऑप्शन नंबर ए। साउथ कोरिया कौन सा देश बन गया? दसवां बन गया, आपको ये भी पता है। विच स्टेट यूटी हैज अप्रूव्ड द मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना? आंसर इज दिल्ली। इंडिया फर्स्ट प्लाज्मा बैंक कहां हुआ? दिल्ली में हुआ। आगे बढ़े, मेगा ट्री प्लांटेशन, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ कैंपेन कहां लॉन्च हुआ? दिल्ली में हुआ, ये भी बताएं इनको। नेम द दिल्ली स्कूल गर्ल हु गॉट सिलेक्टेड फॉर द 2020 डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर, डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर। आंसर इज प्रिया ठकराल, ऑप्शन नंबर बी। MG Motors India ने किस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है टू सेट अप फास्ट चार्जर्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? आंसर इज टाटा पावर लिमिटेड, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हेडक्वार्टर ऑफ द MG Motors? आंसर इज गुड़गांव। एंड हु इज द प्रेजेंट प्रेसिडेंट एंड MD ऑफ द MG Motors? आंसर इज राजीव चाबा। वहीं अगर हम टाटा पावर की बात करें, ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रेजेंट CEO कौन है? वो है प्रवीण सिन्हा जी। ठीक, आगे बढ़ा है कि हीरा नंदानी ग्रुप जो है उसने, हीरा नंदानी ग्रुप कंपनी योटा ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है, मतलब कि योटा जो है वो तमिलनाडु के कौन से शहर में एक डेटा सेंटर पार्क बनाने वाली है? आंसर क्या होगा? आंसर इज चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए। हु इज गोइंग टू सेटअप अ 500 करोड़ डेटा सेंटर इन हैदराबाद? आंसर इज NPCI, ऑप्शन नंबर बी। L&T उसे डेवलप करेगा, ठीक है। इंडिया लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टीयर 4 डेटा सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच सिटी? आंसर इज मुंबई पनवेल, ऑप्शन नंबर सी। रिसेंटली विच कंट्री हैज बैंड फ्री इंटरनेट सर्विस? आंसर इज बांग्लादेश। इंडिया हैज कोलैबोरेटेड विद विच कंपनी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर फॉर LPG बिजनेस? आंसर इज बांग्लादेश। IMF हैज अप्रूव 732 मिलियन एमरजेंसी असिस्टेंस टू विच कंट्री? आंसर इज बांग्लादेश। विच गवर्नमेंट लॉन्च डिजिटल हार्ट फॉर सेक्रीफिशियल एनिमल बिफोर ईद उल अजहा, मतलब बकरीद? आंसर इज बांग्लादेश। द क्रिकेट बोर्ड ऑफ विच कंट्री हैज लॉन्च एन एप्लीकेशन टू ट्रैक COVID-19 सिम्टम्स अमंग इट्स प्लेयर? आंसर इज बांग्लादेश। द ओडिशा गवर्नमेंट हैज साइन एन MOU विद विच ई कॉमर्स कंपनी? आंसर इज फ्लिपकार्ट। हु हैज साइन एन MOU विद द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटक? आंसर इज फ्लिपकार्ट। ठीक, हु हैज पार्टनर विद द बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी? आंसर इज फ्लिपकार्ट। विच ऑफ द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैज इंट्रोड्यूस वॉइस असिस्टेंस फॉर ग्रोसरीज? आंसर इज फ्लिपकार्ट। हु इज द प्रेजेंट CEO ऑफ द फ्लिपकार्ट? आंसर इज कल्याण कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी। किस स्टेट ने फास्ट ट्रैक क्लियरेंस के लिए वन स्टॉप शॉप लॉन्च किया? आंसर इज राजस्थान। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च अ कैंपेन टू इंश्योर प्योरिटी ऑफ मिल्क डेयरी प्रोडक्ट? आंसर इज राजस्थान। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड अ ट्रीपार्टाइट एग्रीमेंट विद द पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड द एजुकेशनल कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड फॉर द स्मार्ट क्लासरूम इन हैंडेड स्कूल्स? आंसर इज राजस्थान। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमारी कहानी खत्म होती है। दिन के 2 बजे मिलने वाले हैं फॉर द MCQs बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे दिन के 2 बजे, ठीक है। और आराम करिए, घर पे रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए और पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, आपका दिन मंगलमय हो।